जय गुरु। आज का आलोचना टॉपिक है चूहे के पीछे भागती हुई बिल्ली के लिए श्री ठाकुर जी ने कैसे एक अद्भुत समाधान दिए हैं उसके ऊपर आलोचना करेंगे। चलिए आज का आलोचना शुरू करते हैं। एक दिन की घटना है, श्री ठाकुर बड़े बरामदे में भक्तों से घिरे समासीन है, चर्चाओं की दौड़ चल रही है, स्नान का समय बीत चुका है, घड़ी के सुई लगभग 11:30 बजने वाला होगा। अचानक सामने से एक चूहिया भागती हुई दिखाई दी। उसका पीछा करते हुए श्री श्री बड़मा की पालतू बिल्ली दौड़ी। श्री श्री ठाकुर कातर स्वर में बोलने लगे, गया गया। अचानक उनकी ऐसी युक्ति से सभी चौंक पड़े, क्या हुआ? बाद में बात समझ में आने पर सभी अचंभित हो गए। बिल्ली तो चूहा पकड़ेगी ही, ये तो स्वाभाविक घटना है। इसी में अचंभित होने का कारण कोई ढूंढ नहीं पा रहे हैं, परंतु परम दयाल परम पिता ही जो उनकी बात है, तुम भी बचो, दूसरों को भी बचने दो। इसलिए चूहिया क्षुद्र जीव होने पर भी उसके प्राण नाश की आशंका से वे अस्थिर हो गए। भक्तों को बुलाकर बोले कि ऐसा कोई इंतजाम करो जिससे कि चूहिया कोई क्षति न कर सके और बिल्ली भी चूहिया को न मार सके। ऐसा एक अद्भुत प्रस्ताव सुनकर सभी विस्मित हो गए, यह कैसे संभव है? कुछ देर बाद श्री ठाकुर स्वयं इसका समाधान देते हुए बोले कि तुम तुरंत बाजार जाओ, छोटा घंटी खरीद कर लाओ और बिल्ली के गले में बांध दो। घंटी की आवाज़ सुनकर चूहिया सावधान रहेगी, बिल्ली उसे पकड़ नहीं पाएगी। वो सज्जन साइकिल से बाजार चले गए। घंटी खरीद कर बिल्ली के गले में बांधने में लगभग 1 बज गया। श्री ठाकुर उसी समय तक बैठे रहे। बिल्ली टून टून आवाज़ करती हुई इधर उधर घूमने लगी। यह देखकर प्रभु निश्चिंत होकर स्नान करने के लिए गए हैं। वही है कि मोटा मोटी अब ठाकुर जी का यही कहना है कि तुम भी बचो और दूसरे को भी बचने दो। आज के लिए आलोचना टॉपिक यही खत्म करते हैं। जय गुरु।